क्यों सदगुरु की वकील बन गई कंगना और क्यों कंगना रनौत ने ईशा फाउंडेशन का समर्थन किया। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी नेता कंगना रनौत की। कंगना रनौत ने ईशा फाउंडेशन का समर्थन किया। दरअसल 1 अक्टूबर को कोयंबटूर में स्थित ईशा फाउंडेशन का आश्रम में पुलिस पहुंची। पुलिस आश्रम में तलाशी लेने पहुंची थी। रिटायर्ड प्रोफेसर एम कामराज ने दावा किया था कि उनकी 2 बेटियों को उनकी इच्छा के खिलाफ ईशा फाउंडेशन में केंद्र में कैद करके रखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोप है कि सदगुरु महिलाओं को अपने सिर मुंडवाने और संसारिक जीवन त्याग कर सन्यासी की तरह रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी आरोप के खिलाफ कंगना रनौत गुरु जग्गी वासुदेव के समर्थन में आ गई। कंगना ने आरोप को बेतुका बताया। हालांकि प्रोफेसर की बेटियों को जब कोर्ट में सामने पेश किया गया तो उन्होंने दावा किया कि वो अपनी इच्छा से ही ईशा फाउंडेशन में रह रही हैं। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा, क्या बेतुका आरोप है। सदगुरु जी भी कभी विवाह के खिलाफ नहीं है और आश्रम में मंदिर में कई लोगों की शादियाँ हुई। आश्रम में रहने वाले तमाम वॉलंटियर्स शादी करना पसंद करते हैं। कंगना ने एक और स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा कि उनकी बेटियों का एक यूट्यूब वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये 2 ब्रह्मचारिणी हैं जिन्हें 1 दशक से अधिक समय पहले सांसारिक जीवन को त्यागने और साधना के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया था। उनके पिता ने सदगुरु के खिलाफ बच्चियों की किडनैपिंग का आपराधिक मामला दर्ज करवाया, लेकिन जब लड़कियों को अपने घर वापस जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया और आश्रम में खुशी खुशी रहने लगी। और जब अचानक से DMK सरकार ईशा फाउंडेशन के इस मामले में परेशान कर रही है, जैसे ये कोई ताज़ा बात हो, शर्मनाक है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से सदगुरु के खिलाफ सभी दर्ज आपराधिक मामलों के खिलाफ रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद 1 अक्टूबर को 150 पुलिसकर्मियों की एक टीम ईशा फाउंडेशन पहुंच गई। इसके बाद ये सारी तमाम जांच चल रही है और फिलहाल कंगना ने इसी चीज़ पर ये दाव खेला है। कंगना ने बोला कि ईशा फाउंडेशन के खिलाफ ऐसे चीज़ें करना बहुत ही गलत बात है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।